हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही चैनल ज्ञान गुंजन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बिहार से हैं और घर बैठे बिहार का जो रसीद होता है उसको ऑनलाइन काटना चाह रहे हैं तो कैसे काटे। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में, इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर आप ये सब डिटेल्स में जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप अपने चैनल पर न्यू आ रहे होंगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप यहां देख सकते हैं हम अपना गूगल के क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिए हैं। आपको सिंपली गूगल के सर्च बार में टाइप कर लेना होगा झारभूमि। जैसे ही आप झारभूमि टाइप कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ देख सकते हैं लैंड रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार, आपको सिंपली इसी वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सिंपली ऑनलाइन लगाने वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपसे सुरक्षा कोड पूछा जा रहा है तो यहाँ आपको सुरक्षा कोड फिल कर देना होगा। उसके बाद ऑनलाइन भुगतान करे वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने देखिए कुछ नया इंटरफेस इस टाइप से शो होगा। फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपसे आपका जिला का नाम पूछा जा रहा है, अंचल का नाम पूछा जा रहा है, हलका का नाम पूछा जा रहा है और मौजा का नाम पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ आपसे वर्तमान भाग पूछा जा रहा है और वर्तमान पृष्ठ संख्या पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास सारा डिटेल्स है तो यहाँ फिल करके आपको सिंपली खोजे वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पास आपका वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या नहीं है तो उसके लिए आपको सिंपली इस ब्लू वाले लिंक पर क्लिक करना होगा, वर्तमान भाग और वर्तमान पृष्ठ संख्या जानने के लिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। देखिए, यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना होगा। आप बिहार के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ से हम अपने डिस्ट्रिक्ट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको अपना अंचल सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ से हम अपना अंचल वाले सेक्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप अपना अंचल वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए कुछ इस टाइप से आपका आइकन यहाँ शो होगा, न्यू इंटरफेस। यहाँ देखिए, आपको अपना हल्का सेलेक्ट कर लेना होगा, आप जो भी हल्का से बिलोंग करते होंगे वहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ आपसे आपका मौजा पूछा जा रहा है तो यहाँ आप अपना मौजा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, कम से कम यहाँ आपको अपना खाता नंबर को फिल करना होगा। चलिए यहाँ से देखिए, हम अपना खाता नंबर फिल कर लिए हैं। उसके बाद सर्च वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ आप खाता नंबर फिल कीजिएगा उस खाता में जितना का भी खेत होगा सारा का नाम, देखिए खाता संख्या, वर्तमान भाग, वर्तमान पृष्ठ संख्या, सारा डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इसका डिटेल्स देखना चाह रहे हैं तो यहाँ देखे वाले सेक्शन पर क्लिक करके सारा डिटेल्स भी देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इसका रसीद काटना चाह रहे हैं तो दोबारा से आपको बैक इसी वाले पेज पर आ जाना होगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको अपना फिर से जिला सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ देखिए, फिर से आपको अपना अंचल को सेलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ से हल्का को सेलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ से मौजा को सेलेक्ट कर लेना होगा, और फ्रेंड्स, जो आप वर्तमान भाग और वर्तमान पृष्ठ संख्या फाइंड किए हैं उसको यहाँ फिल कर लेना होगा। तो यहाँ से हम वर्तमान पृष्ठ संख्या को फिल कर लिए, यहाँ से वर्तमान भाग को फिल कर लिए हैं। उसके बाद सिंपली आपको खोजे वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए, इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो जिसका भी नाम से एक खेत होगा उनका नाम शो कर जाएगा, खाता संख्या शो कर जाएगा, वर्तमान भाग शो करेगा और पृष्ठ संख्या शो करेगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ देखे वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप देखे वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो इनका सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको स्क्रॉल करके नीचे चले जाना होगा और सारा डिटेल्स को देख लेना होगा। उसके बाद देखिए, सिंपली आपको यहाँ बकाया देखे वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ बकाया देखे वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। फिर से यहाँ देख सकते हैं, फिर आपको इसमें सारा डिटेल्स को मिला लेना है कि जिनका आप रसीद काटना चाह रहे हैं उन्हीं का डिटेल्स है या किसी अदर कैंडिडेट का डिटेल्स है। तो यहाँ से आपको मिलाकर और नीचे स्क्रॉल करके चले आना होगा। तो फिर से यहाँ देख सकते हैं, इनका जो भी बकाया है देखिए यहाँ सारा आपका शो कर जाएगा। उसके बाद आपको देखिए, ऑनलाइन भुगतान करे वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप ऑनलाइन भुगतान करे वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको पेमेंट गेटवे के मोड पर ले जाएगा। तो फिर से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपका पेमेंट गेटवे का मोड के पे ये आपको ले गया है। आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे चले आना होगा और यहाँ देख सकते हैं जिसका भी नाम से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, यहाँ नाम, मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस फिल करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से डिटेल्स को फिल करते हैं, उसके बाद का प्रोसेस आपको हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हम नाम भी फिल कर लिए हैं
और मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस भी फिल कर लिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आई एग्री टर्म एंड कंडीशन वाले सेक्शन को आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद जैसे ही आप एक्सेप्ट कीजिएगा तो देखिए आप लोग के सामने कुछ रिकॉर्ड आप लोग के सामने शो होगा, आपको इसको ओके कर देना होगा। उसके बाद देखिए सिंपली आपको भुगतान करे वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप भुगतान करे वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा, देखिए कुछ आपको इस टाइप से आपको ये पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी वाले पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा और आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे चले आना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको जिस जैसे भी आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे ई पेमेंट यानी ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे होंगे तो इसको सेलेक्ट कर लेना होगा। अदरवाइज अगर दूसरा सिस्टम से आप पेमेंट करना चाह रहे होंगे तो आपको इस वाले सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ से हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको बताने वाले हैं, तो ये सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आपको जैसे भी आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, जिस भी बैंक के आपके पास कार्ड है उसके माध्यम से करना चाह रहे होंगे तो यहाँ से जो भी आपके पास बैंक होगा उसको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, अगर आप नेट बैंकिंग के माध्यम से कीजिएगा, स्टेट बैंक का अगर आपका एटीएम है तो आपको कोई चार्ज नहीं पे करना होगा। और फ्रेंड्स अगर आप अदर बैंक के नेट बैंकिंग के माध्यम से करते हैं तो आपको 6 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप क्रेडिट कार्ड से भी इसका चार्ज पे करते हैं तो आपको यहाँ देखिए 12 रुपये 45 पैसा का चार्ज पे करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से नेट बैंकिंग के माध्यम से सारा प्रोसेस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा, आपको वहाँ से फिल करके इसको सिंपली पेमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इसी तरह से अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में रसीद को काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी जानकारी मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। बिहार छोड़ के किसी और अदर स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो हम आप ही के स्टेट के ऊपर बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।